गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड, दिस इज अवर हिंदी बुक अविरल। अभी तक हमने पार्ट ए यानी कि कविता, पहली कविता पढ़ी है जिसका नाम है हम हैं सूरज चांद सितारे, है ना। और कल हमने क्वेश्चंस किए थे, कौन से ये वाले तीनों मौखिक प्रश्न हमने किए थे, यह कविता किसके बारे में है, तो इसका उत्तर हमने लिखा था यह कविता नन्हे नन्हे बच्चों के बारे में है। दूसरा प्रश्न था नन्हे रजकन क्या बन जाते हैं, तो नन्हे रजकन क्या बन जाते हैं, विशाल पर्वत, तो इसका उत्तर था नन्हे रजकन विशाल पर्वत बन जाते हैं। तीसरा कौन पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं, तो कौन है बच्चे पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं, हाँ तो क्या हो गया इसका उत्तर, बच्चे पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। अब हम लिखित प्रश्न करेंगे, तो पहला प्रश्न है एक हमारी आसमान छत एक हमारी सास पवन है, इन पंक्तियों के द्वारा बच्चे क्या कहना चाहते हैं। तो एक हमारी आसमान छत, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब एक ही धरती के नीचे रहते हैं, और एक हमारी सांस पवन है, और एक ही जो हम सांस लेते हैं जो हवा हम लेते हैं सबकी वो एक ही हवा है, ऐसा तो नहीं है तू अलग हवा लेगा मैं अलग हवा लूंगी, है ना। तो सब एक ही सांस लेते हैं, एक ही पवन है, एक ही हमारा आसमान है, तो हम क्या लिखेंगे, हम सबकी एक छत आसमान है, ठीक है। इन पंक्तियों के द्वारा बच्चे क्या कहना चाहते हैं, तो इन पंक्तियों के द्वारा बच्चे कहते हैं हम सबकी, हम सबकी एक छत आसमान है, और हमें सांस के रूप में एक जैसी हवा मिल रही है। तो क्या हुआ, हम सबकी एक छत आसमान है, और हमें सांस के रूप में एक जैसी हवा मिल रही है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है, है ना। हम सबकी एक छत आसमान है, और हमें सांस के रूप में एक जैसी हवा मिल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चारों दिशाओं के नाम लिखिए, तो कौन सी दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उन सबके नाम लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे पूर्व, पूर्व, तो पहली दिशा हो गई पूर्व, दूसरी हो गई पश्चिम, तो लिखेंगे प आदश च और ई की मात्रा ची म, क्या बन गया ये पश्चिम, ठीक है ना। तीसरी दिशा हो गई उत्तर, तो ऊ त, देखो त दो बार होता है, आधा त और त, ठीक है ना, उत्तर, उत्तर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी आखिरी दिशा दक्षिण, द अक्ष ई की मात्रा छोटी की मात्रा और ये आया न, क्या बना दक्षिण, तो कौन सी दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो गई हमारी चार दिशाओं के नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दो, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, तो हमने कविता पढ़ी थी, क्या थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं, पृथ्वी माँ के राज दुलारे हम हैं सूरज चांद सितारे। तो अबे हमें ये कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, कुछ कुछ छोड़ी हुई है, ये देखो लाइन दी हुई है, तो यहाँ जो आना था वो हमें लिखना है, पूर्व पश्चिम
फिर आएगा उत्तर और दक्षिण, दक्षिण दक्षिण। तो ये तो हो गई सारी दिशाएं, ठीक है। फिर कोमा था, कोमा लगा देंगे। फिर आएगा सभी दिशाएं एक संग हैं, तो हमें क्या लिखना है, सभी दिशाएं, तो लिखेंगे सभी दिशाएं, ठीक है, सभी दिशाएं एक संग हैं। आगे पृथ्वी माँ के राज दुलारे, तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी दिया हुआ है, लिखेंगे माँ के राज दुलारे, ठीक है। फिर हम हैं सूरज चांद सितारे, तो क्या लिखेंगे, सूरज चांद और सितारे, सितारे सितारे, और फिर लगा देंगे डंडा, ठीक है। तो क्या हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे, ठीक है ना। तो ये हुए हमारे दो प्रश्न। और आपको क्या करना है, जैसे हमने कल देखा था वैसे ही, सबसे पहले डेट और टाइम मेंशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कविता एक, हम हैं सूरज चांद सितारे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अभ्यास कार्य, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न एक लिखित, ठीक है, प्रश्न एक लिखित। फिर क, क में जैसे हमने लिखा था उत्तर क, उत्तर ख, उत्तर ग, इस तरीके से प्रश्न नहीं लिखेंगे, ये इतना बड़ा बुक में से देख लेंगे क्वेश्चन और सीधे उत्तर लिखेंगे। तो हमें कैसे लिखना है, उत्तर, उत्तर क, ठीक है, ऐसे लिख देंगे सीधा, ठीक है। उसके बाद फिर से ख भाग लिख के यहाँ लिखेंगे उत्तर ख, फिर प्रश्न दो लिखेंगे, प्रश्न दो कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हम कविता ही लिख देंगे, ठीक है। और जैसे ये लाइन है तो इसके नीचे लाइन लगा देंगे, यहाँ पे लाइन लगा देंगे, यहाँ पे भी लाइन लगा देंगे और यहाँ पे भी लाइन लगा देंगे, ताकि हमें ये पता लगेगा कि क्या तो हमने लिखा है और क्या दिया हुआ था, ठीक है। इतना काम करेंगे और साथ में इसे लर्न भी करेंगे, बोल बोल के लिखेंगे ताकि स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।